सो बच्चों, इन द प्रीवियस हमने एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा। मैंने आपको पहले भी इन द स्टार्टिंग कहा था, इस चैप्टर के अंदर हमने एड्सॉर्प्शन के बारे में ही पढ़ेंगे ज्यादा, ठीक है। एड्सॉर्प्शन के अंदर दो पार्ट में था, एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट, ठीक है। मैंने कहा था जो पार्टिकल्स हमारे पास आउटसाइड है, ठीक है, आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड पार्टिकल है, इनको हम बोलते हैं क्या, एड्सॉर्बेंट। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, एड्सॉर्बेंट, ठीक है जी, एड्सॉर्बेंट। एंड यहां पे सरफेस पे रहते हैं, उस सरफेस को बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। क्या बोलते हैं सरफेस को, एड्सॉर्बेंट। मैं छोटी सी डेफिनेशन लिखना चाहूँ एड्सॉर्बेंट की, फिर से बता रहा हूँ, जो पार्टिकल्स यहाँ जाके अटैच हो रहे हैं उन पार्टिकल्स को बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। एंड जहां सरफेस पे, ये सरफेस है, सॉलिड नहीं है, सॉलिड तो नीचे है, ठीक है, सॉलिड ये है, ठीक है, ये सरफेस को बोला मैंने सरफेस, ये सरफेस दिखा रहा हूं, सरफेस को बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। जहां ये रहे हैं, एड्सॉर्बेंट को बोलूंगा इट इज द, सो यहां पे हमने पार्टिकल्स आउटसाइड को एड्सॉर्बेंट कहा, इस सरफेस को एड्सॉर्बेंट कहा। एड्सॉर्बेंट की वही डेफिनेशन लिखी, इट इज सरफेस ऑन विच द एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस। एक ऐसा सरफेस जहां पे एड्सॉर्प्शन होती है, एड्सॉर्प्शन होती है। एड्सॉर्बेंट इट इज अ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो सरफेस के ऊपर है, ऑन विच दैट एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस, जहां एड्सॉर्प्शन होती है, सब्सटेंस को कहा एड्सॉर्बेंट, ठीक है। और द कंपाउंड विच इज द मीन एड्सॉर्ब, एक छोटी सी डेफिनेशन इसके बारे में, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक और। तो बच्चों यहाँ पे द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन की बात कर रहा हूँ। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को एक्स वाई एम के डिनोट किया जाता है, ठीक है। एक्स हमारे पास क्या कहा गया, अमाउंट ऑफ द एड्सॉर्बेंट, ठीक है, जो पार्टिकल्स आ रहे हैं। एंड द एम इज अ सरफेस, जो सरफेस को कहा गया। ध्यान रखना बच्चों एक चीज यहाँ पे, जैसे ही एड्सॉर्बेंट बढ़ेंगे, एक्स बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली एक्स वाई एम भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर एक्स वाई एम बढ़ गया ऑटोमेटिकली एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा। एक्स जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एड्सॉर्प्शन भी बढ़ ही रही है, क्योंकि पार्टिकल ज्यादा हो रहे हैं तो एड्सॉर्प्शन करने की कैपेबिलिटी जो होती है वो भी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन आल्सो द इंक्रीजेस। सो व्हिच ऑन द नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों नेचर की, बात नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, इसकी बात कर रहा हूं। एड्सॉर्बेंट सब माइंड में आ रहा होगा ना, एड्सॉर्बेंट क्या है, पार्टिकल जो कि आउटसाइड थे उन पार्टिकल्स को कहा एड्सॉर्बेंट। सरफेस को क्या बोल रहा हूं, एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट का नाम लिया, पार्टिकल्स की बात है, पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं यहां पे। यहां पे एग्जांपल है H2 गैस इज मोर एब्सॉर्ब्ड, H2 गैस इज मोर एब्सॉर्ब ऑन द प्लैटिनम सरफेस, प्लैटिनम सरफेस, ठीक है, देन द आयरन, ठीक है। H2 गैस ज्यादा एब्सॉर्ब होती है प्लैटिनम सरफेस के ऊपर आयरन के। यहां पे बात करूं तो एग्जांपल आपने शायद पढ़ा होगा इन द प्रीवियस क्लास, इन द 10th क्लास में आपका फोर्थ चैप्टर था, मतलब कि कंपाउंड्स वाला चैप्टर, नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन था कुछ, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन लाइक यस, ठीक है। वहां पे आप लोग एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे थे क्या, निकल, प्लैटिनम, वही बात थी। H2 ज्यादा एड्सॉर्ब कहां होता है, प्लैटिनम के ऊपर, यही था ना आपके पास, दैट्स व्हाई एड्सॉर्बेंट का नेचर भी बहुत मायने रखता है। नेचर ऑफ द एड्सॉर्बेंट की बात कर रहे थे, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट बच्चों एग्जाम्पल था हमारे पास एक्टिवेटर, चारकोल विल एड्सॉर्ब मोर ऑन SO2 देन O2 गैस। चारकोल मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था एड्सॉर्बेंट का, ठीक है, SO2 गैस पे ज्यादा। और थर्ड की बात करूं सरफेस एरिया, आपको पता है जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, एड्सॉर्प्शन होगी, ठीक है। एंड फोर्थ की बात करूं यहां पे मुझे एक और बात करूं फोर्थ की, द कैटलिस्ट इन द पाउडर फॉर्म्स आर द बेटर एब्जॉर्बर। कैटलिस्ट जो पाउडर फॉर्म में रहता है वो ज्यादा सरफेस प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू द सॉलिड, दैट्स व्हाई कैटलिस्ट इन द पाउडर फॉर्म आर द बेटर। एंड योर फिफ्थ इज लिक्विफिकेशन ऑफ, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ पॉइंट था लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, कि गैसेस की लिक्विफिकेशन कैसे, लिक्विफिकेशन समझ रहे हो, पार्टिकल्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल जब आपस में, इन द केस ऑफ गैसेस देयर आर द पार्टिकल्स आर सो मच अपार्ट फ्रॉम ईच अदर दैट व्हाई देयर इज अ गैस, जब ये थोड़ा थोड़ा पास आना शुरू होंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, थोड़ी सी अट्रैक्शन होगी इन पार्टिकल्स के अंदर, दैट्स व्हाई तभी लिक्विड बनेगा, तभी लिक्विड बनेगा ना। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, गैसेस हैविंग अ हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करूं, क्रिटिकल टेम्परेचर को डिनोट करते हैं टीसी से, टीसी का फॉर्मूला है 88A/27RV, हियर द आर इज द गैस कांस्टेंट एंड ए एंड बी इज द बेंडरवाल कांस्टेंट, बेंडरवाल इक्वेशन, बेंडरवाल कांस्टेंट। आपको पता है इन द बेंडरवाल इक्वेशन के अंदर क्या होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए आपके पास जैसे ही ए बढ़ेगा, ध्यान रखना जैसे ही ए बढ़ेगा ऑटोमेटिक है आपके पास टीसी की वैल्यू भी बढ़ेगी,
टीसी के लिए कैसे बढ़ी? क्योंकि ये आपके पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन, जैसे ही फोर्स अट्रैक्शन बढ़ी तो आपके पास क्या हुआ, जैसे इसकी लिक्विफिकेशन होना शुरू हुई और यहां पे हमारे पास क्या हुआ, एड्सॉर्प्शन होना शुरू हो गया। एड्सॉर्प्शन जैसे ही ए बढ़ाया, टीसी भी बढ़ा और एड्सॉर्प्शन भी बढ़ा। एड्सॉर्प्शन बढ़ा तो गैसेस की क्या हुई, लिक्विफिकेशन होगी और ये इजिली क्या होगा, लिक्विफाई होगा, इजिली लिक्विफाई होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट। और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन होती क्यों है, बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी। सोचो यहां पे दो और हमारे पास फैक्टर्स हैं, वन इज अ प्रेशर एंड अदर इज अ टेम्परेचर। इनके बारे में आगे पढ़ाऊंगा बिकॉज इनमें बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। उससे पहले एक और टॉपिक है हमारा, वो पढ़ लेते हैं, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द एड्सॉर्प्शन। सोचो यहां पे द नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इन द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपको वेरी वेल मैंने से स्टार्ट पहले ही बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, वहां पे स्पॉन्टेनियस वो होते हैं जो कोई भी काम अपने आप हो रहा हो, जैसे पहाड़ से कोई पानी गिरता, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स टू मूव दैट। ठीक है, खुद देखो देते हैं। ठीक है, तो यहां पे डेल्टा जी क्या होगा, आपके पास नेगेटिव होगा फॉर द स्पॉन्टेनियस, और द नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होगा, डेल्टा जी ऑटोमेटिक क्या होगा, पॉजिटिव। एंड द इक्विलिब्रियम के लिए आपने पिछली क्लास में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़े हुए हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो। और आपको पता है कि ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे क्या होगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर मैं बात करूं डेल्टा H कितना आ जाएगा आपके पास, डेल्टा G प्लस टी डेल्टा S आपके पास आ गया। यहां पे बात करूं डेल्टा G क्या है, नेगेटिव है। यहां पे डेल्टा S किसको बोलते हैं बच्चों, डेल्टा S इज अ एंट्रोपी। ठीक है, डेल्टा S इज अ एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, द रेंडमनेस। एंट्रोपी क्या होता है बच्चों, द रेंडमनेस ऑफ द पार्टिकल इन द एटमोसफियर। जो भी पार्टिकल हमारे पास आउटसाइड में थे, ये हमारे पास एड्सॉर्बेंट कहा था, ये एड्सॉर्बेंट के ऊपर क्या हो गए, आना शुरू हो गई, तो क्या होगी, रेंडमनेस क्या होगी, कम होगी। दैट्स व्हाई एंट्रोपी क्या होगी, हमारे पास कम होना शुरू होगी। एंट्रोपी कम होगी हमारे पास तो एंट्रोपी क्या होगी, नेगेटिव। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो डेल्टा एच क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव नेगेटिव होगा। दैट्स व्हाई नेगेटिव होगा, तो क्या बोल सकते हैं, एब्जॉर्प्शन नेगेटिव है तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो इट्स अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। एब्जॉर्प्शन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ध्यान रखना बच्चों एक बात। ठीक है, तो बच्चों ये ध्यान रखना, एड्सॉर्प्शन ये जेई मेंस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था कि एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये रहती है, ध्यान रखना। पार्टिकल्स हमारे पास ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा बनता है, टेम्पररी बॉन्ड बन रहा है। टेम्पररी बॉन्ड जब हमारे पास अंदर की ओर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। दैट्स व्हाट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे ऑन द नेक्स्ट वीडियो और टॉपिक्स के बारे में, ध्यान रखना। जो टॉपिक आज आपको करवाइड द बेसिक ऑफ द सरफेस केमिस्ट्री, आपको किसी भी ना मॉडर्न बुक में, ना दिनेश की बुक में, ना रेफरेंस बुक में, ना 333 में मिलेगा। ये लैंग्वेज यही है और ये टॉपिक्स आपको वहां नहीं मिलेंगे, तो अच्छे से करना है। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज ऑन योर फेस। डरना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।